अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जुहेब संदूर। आप देख रहे हैं फिक्स योर लाइफ क्विकली, और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है, स्पेशली अपने उन यूज़र्स के लिए जो कि सेटेलाइट्स के बारे में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। और आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड जो है वो LNBs के ऊपर है कि LNB की कितनी इकसाम हैं और मोस्ट कॉमन जो LNBs जो हैं वो कौन सी जो है फील्ड के अंदर यूज़ होती हैं, और कौन कौन सी जो है सेटेलाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी LNBs के ऊपर जो है वो चल सकती हैं, यानी कि अगर कोई आप जो है सी बैंड या KU बैंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर कौन से सेटेलाइट्स जो हैं वो ट्यून हो सकती हैं और कौन से चैनल्स जो हैं वो आप उनको ट्यून कर सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है हम आपको बताएंगे कि मोस्ट कॉमन जो है वो कितनी इकसाम है LNBs की। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी इकसाम्स हैं LNB की, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको चार इकसाम की LNBs जो है वो बताने वाला हूँ। लेकिन आपको जो है LNB की जो एग्जाम बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि LNB का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है। LNB का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसमीटर की मदद से जो है वो सेटेलाइट की जानिब जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वो कुछ सिग्नल जो हमने रिसीव करने होते हैं अपने रिसीवर की मदद से, तो वो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जिनको जो है वो LNB कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, 01 फॉर्म जो है डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है LNB, और उसके बाद जो है वो हमें जो डाटा जो होता है वो अपने रिसीवर की मदद से जो है हम अपने उसको डिस्प्ले पे देखते हैं। यानी कि अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि LNB जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डाटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर ऑडियो और वीडियो 01 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है, और उसके बाद हमें जो है वो रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब, और सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूँ कि LNB की जो चार इकसाम है मेन जो है वो ज़्यादा जो मोस्टली जो फील्ड के अंदर यूज़ होती हैं वो आज की वीडियो के अंदर आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो कौन कौन सी चार इकसाम है। पहले नंबर पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद उनकी डिटेल्स जो है वो शार्ट शार्ट वो भी आपके साथ जो डिस्कस कर देता हूँ। नंबर वन पे जो है वो सी बैंड जो है LNB है। सी बैंड जो है LNB जो है इसके ऊपर कौन से चैनल्स जो हैं वो ट्यून हो सकते हैं, कौन सी सेटेलाइट्स जो हैं वो आप ट्यून कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे मैं बताता हूँ कि सी बैंड जो है वो बेसिकली कितने गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है उसको कवर करती है। जो सी बैंड जो है LNB है वो कितने 4.0 से 8.0 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को कवर करती है, यानी कि 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को कवर करती है। और इसके ऊपर मोस्टली जो देखा जाता है कि वो जो है पाक सेट जो है और एशिया सेट के जो हैं वो सेटेलाइट्स जो वो ट्यून की जाती हैं, और कह लें कि अगर आपने जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स जो देखने हैं ड्रामों वाले या न्यूज़ वाले पाकिस्तान के जितने भी वट एवर चैनल्स हैं, उसके अलावा जो आप जो हैं इंडिया के जो फ्री जो चैनल्स हैं उनको भी ट्यून कर सकते हैं इसके ऊपर सी बैंड के ऊपर जो आप उसको ट्यून कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर बात करो तो वो आ जाती है जनाब KU बैंड। KU बैंड क्या है और कौन सी कितनी फ्रिक्वेंसी को कवर करती है और इसके ऊपर कौन कौन सी सेटेलाइट्स जो हैं वो आप और हम जो है वो सर्च कर सकते हैं और ट्यून कर सकते हैं। तो और KU बैंड के ऊपर कौन कौन सी जो है सेटेलाइट्स जो हैं वो हम लोग ट्यून कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है NSS जो है वो 11 को जो है ट्यून कर सकते हैं, इसके ऊपर हार्डबर्ड को जो है वो ट्यून कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो तुर्क सेट जो है उसको जो है वो ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल सेटेलाइट्स जो है वो हम उनको KU बैंड के ऊपर जो है वो ट्यून कर सकते हैं, और मल्टीपल चैनल्स जो है इसके ऊपर जो है हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं मुख्तलिफ सेटिंग्स करने के बाद। और तीसरे नंबर पर जो है वो LNB का नंबर जो आता है वो आ जाता है जनाब c+ku बैंड। इसके अंदर बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया सी बैंड के बारे में बताया, LNB के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको KU बैंड के बारे में बताया, और CU बैंड जो है c+ku बैंड जो है बेसिकली इन दोनों का सी बैंड का और KU बैंड का जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप जो है इसके अंदर दोनों जो है वो एट अ टाइम जो है LNBs को जो है एक ही टाइम पे एक ही एंटीने के ऊपर जो है वो सेट कर सकते हैं, आपको लैदा लैदा जो है वो एंटीना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इस पे चौथे नंबर पे जो बात कर देता हूँ मैं, और इसके बाद जो चौथे नंबर पे बात आती है वो है जनाब आ जाती है मोनो LNB जो है। ठीक है, मोनो ब्लॉक भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ मोनो भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम से जो है वो मार्केट के अंदर ये यूज होती है। मोनो ब्लॉक जो है इसकी उसका क्या बेनिफिट है, इसको हम किस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो है मोनो ब्लॉक जो होती है LNB इसको उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसी सेटेलाइट्स को ट्यून करना हो जिनका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल
कम हो, फॉर एग्जांपल जो है वो हार्ट बर्ड है और दूसरी जो है आस्टर सेट है, इस तरह की अगर सेटेलाइट जिनके अंदर जो है वो डिस्टेंस जो है फ्रिक्वेंसी का जो है बहुत ज्यादा माइनर सा हो, और आपको जो है वो एट अ टाइम जो है वो एक ही एंटीना के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, और दोनों जो सेटेलाइट्स की जो है फ्रिक्वेंसीज को ट्यून करने के बाद आप जो है चैनल्स को जो है वो वॉच कर सकते हैं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें और चैनल फिक्स जो लाइव क्विकली को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।